गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, SIRT दिल्ली. टुडे डिस्कस अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमीटर और फ्लेम एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर. तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल, हिस्ट्री एंड थ्योरेटिकल पार्ट. अब इस पार्ट में, आज की क्लास में, इस लेक्चर्स में हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारा. आप फ्लेम फोटोमीटर्स का आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ्स है ना. इस तरह से फ्लेम फोटोमीटर होता है जो बेसिक कंपोनेंट्स का है. ये ओपन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ओपन कंपोनेंट्स हैं ये. ठीक है, यहाँ पे तो फ्लेम्स यूज होता है. ये सिलेंडर्स है जहाँ से गैसेस आती हैं. ये गैसेस सिलेंडर है, ये ओपन पॉइंट्स है. यहाँ पे आपका फ्लेम्स है जहाँ से आपकी गैस को फ्लेम प्रोवाइड होता है. ये बेसिक पॉइंट. अब आप देख सकते हैं ये फ्लेम फोटोमीटर्स का ये बेसिक डायग्राम है, फोटोग्राफ्स हैं. यहाँ पे यूनिट्स है. ये बीकर्स में सैंपल, हम जिस सैंपल को हमें एनालाइज करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव सैंपल के अंदर, ये बीकर्स के अंदर सैंपल प्रोड्यूस करते हैं. ये दूसरा सेकंड हमारा कंप्रेसर यूनिट्स है. ये हमारा आपका कंप्रेसर यूनिट्स पार्ट है. यहाँ से हमारा कंप्रेसर से कंप्रेस्ड गैस मिलेगी. ये पाइपलाइन से यहाँ पे हमारी गैस इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे. ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा गैस सिलेंडर का. ठीक है, ये गैस सिलेंडर का पाइपलाइन है. ये गैस सिलेंडर्स पे हम लगेंगे जहाँ से हमारी गैस आएगी. ठीक है, ये रेगुलेटर्स है. यहाँ पे आपको गैस दिखाई देगी, यहाँ पे आपको गैस दिखाई जाएगी डिफरेंट एनिमल पे. और ये हमारा ऑपरेटिंग ठीक करके डिफरेंट, यहाँ से हम ऑपरेशंस करते हैं. ठीक है, ये आपका देख पा रहे हैं कि डिफरेंट ये इंस्ट्रूमेंट्स में होता है. ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लेम जो दिखती है जनरली ब्लू फ्लेम्स होती है. लेकिन डिफरेंट जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं येलो फ्लेम. ठीक है, अगर लिथियम की बात करें तो रेड फ्लेम. डिफरेंट से कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं डिफरेंट फ्लेम्स शो करते हैं. ये हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह से फ्लेम्स आते हैं. ओके, मिलने पार्ट्स हैं ये आपका. फ्लेम फोटोमीटर्स का पार्ट है. यहाँ से फ्यूल गैसेस जाते हैं. फ्यूल गैस में एयर, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेंट्स, सिंपल इनक्लेट सिस्टम यहाँ से होता है. एटोमाइज होता है सिंपल को. ठीक है, आपको हमने भी देखा कि सिंपल को अपने जो टिप्स होती है उसको डिप करते हैं. ठीक है, फ्लेम्स के पे फ्लेम आएगा, एक्साइटेड एटम्स होंगे. उसके बाद ये मोनोक्रोमेटर का स्लिट यूज कर सकते हैं. स्लिट के बाद यहाँ पे कैथोड लैंप होते हैं. कैथोड लैंप्स के अंदर से यहाँ पे एनर्जेटिक को ये हमारा डिटेक्टर्स हाई एनर्जेटिक में इलेक्ट्रॉन्स में वहाँ से डिवाइड कर देगा. स्पेक्ट्रा शो होगा उसको हमारा एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर्स लगे होते हैं. देन रिकॉर्डिंग में आपकी स्पेक्ट्रा मतलब पीक्स दिखाई देगी. ये हमारे डिफरेंट टेम्परेचर्स के फ्यूल मटेरियल्स मेनली यूज करते हैं. मेथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन. मैक्सिमम हीट जो हमारा प्रोवाइड होता है एसिटिलीन इन ऑक्सीजन. एंड मिनिमम जो हमारा तो है हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं H2N हाइड्रोकार्बन, जिसका टेम्परेचर हमारा सब मिनिमम होता है 70. ठीक, तो इंस्ट्रूमेंटेशन फ्लेम इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन. वी आर सैंपल सोल्यूशन एस्पायरेट फ्रॉम द एस्पायरेटर और न्यूलाइजर यूज करते हैं. फ्लेम बीस आर यूजली प्रोपीन आर एयर फ्यूल इवन प्योरीफाइड नेचर गैस आर मिक्सचर. सैंपल मेटल्स इवोपरेटेड फॉर द एटोमाइजेशन सिस्टम. ठीक है, एटोमाइजर्स होते हैं प्रेजेंट इन द हायर टेम्परेचर जोन. फ्लेम एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल बाय द एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम से. ठीक है, उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब होने के कारण क्या होते हैं, एटम्स जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. एक्साइटेड स्टेट से फिर टोटो रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट में आते हैं. इमिट द रेडिएशन डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल विद एटम इन रॉक. ठीक है, ये अपना प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था. प्रीवियस में के प्रिंसिपल पार्ट हमारा क्या होता है ये हमने देखा था कि सोल्यूशंस में किसी भी सोल्यूशंस को हमें एनालाइज करना होता है. देन फर्स्ट सॉल्वेंट इनकॉर्पोरेटेड टू ग्रुप सॉलिड रेसिड्यू ये हमारा जनरली ब्लॉक डायग्राम है. सिंपल सेल फॉर्मेशन ना, सिंपल सेल क्या होगा, कन्वर्ट होगा डिफरेंट ड्रॉपलेट्स में.
डिफरेंट ड्रॉपलेट्स में विद द हेल्प ऑफ एरोसॉल उसको हाइड्रेट रेसिड्यू में कन्वर्ट होगा। हाइड्रेट रेसिड्यू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम में कॉम्बिनेशन ऑफ द एनर्जी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एंड इमिट द रेडिएशन स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड देन इट मस्ट बी इमिटेड। तो आप ये हमारा डायग्राम से ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन बेसिक पार्ट में पहला है का सल्फर डिलीवरी सिस्टम, सेकंड बर्नर और फ्लेम सोर्स, थर्ड है ऑप्टिकल सिस्टम, फोर्थ मोनोक्रोमेटर्स, डिटेक्टर्स एंड रेडियोलॉजी। ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के मेन पार्ट है। मेन है हमारा सैंपल डिलीवरी सिस्टम, सैंपल को कैसे डिलीवर कर करते हैं। सेकंड बर्नर हमारे यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्नर का यूज होता है। ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हमारे मोनोक्रोमेटर्स आते हैं, फिल्टर्स और स्लिट। ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर लेंस यूज होते हैं, उसके बाद मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं ग्रेटिंग प्रेस में और ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स। डिटेक्टर्स हमारे फोटो मल्टीप्लायर, फोटो ट्यूब्स और फोटोन डिटेक्टर का यूज करते हैं। देन रेडियोएक्टिविटी, ये डिफरेंट हमारे सुविधा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट की गैसेस होती है। इल्यूमिनेटेड गैस का एयर इतना होता है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसीटेन, ये सब हमारे ऑक्सीडेंट मटेरियल्स जनरली यूज होते हैं ओके। ये हमारा ऑक्सीडेंट। सिंपल सेल के अंदर आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम्स, ठीक है। ये हमारा गैस इन्स सोल्यूशन से यहाँ ऑक्सीडेंट फ्यूल गैसेस यहाँ से इंट्रोड्यूस होती है। वो ड्रेन्स नेबुलाइजर से यूज करते हैं, बर्नड होती है, यहाँ पे फ्लेम आएगा, फ्लेम्स को लेंस, लेंस से एक फिल्टर होगी लाइट्स एंड यहाँ पे फोटो डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर के एम्पलीफायर। मेजर कंपन डिलीवरी सिस्टम मोनोक्रोमेटर डिलीवर। अब आप देखते हैं सबसे सिंपल डिलीवरी सिस्टम मीन्स सैंपल को डिलीवर कैसे करें, मीन्स आपका सैंपल किस तरह से फ्लेम फोटोमीटर में फ्लेम तक पहुंचे, उसके लिए बोलते हैं सिंपल डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, पार्ट है बेसिक पार्ट है नेबुलाइजर, एरोसॉल मॉडिफायर एंड फ्लेम पोटर। तो सबसे पहले यूज होता है हमारा नेबुलाइजर्स का यूज है। नेबुलाइजर्स क्या करता है आप देखिए, नेबुला ब्रेक अप टू लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जो हमारा लिक्विड सैंपल है, लिक्विड सैंपल को स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नेबुलाइजर्स कन्वर्ट्स अ सैंपल इनटू मिस्ट ऑफ द फाइनली डिपार्टेड इन द ड्रॉपलेट यूजिंग जेट ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। अब वो छोटे ड्रॉपलेट्स में नेबुलाइजेशन करने के बाद वो सैंपल थोड़े छोटे मिस्ट मतलब धुएं जैसा है ना, एकदम धुएं के आकार जैसा मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, एकदम छोटे छोटे मिस्ट, ठीक है। फाइनली डिपार्टेड ड्रॉपलेट्स इन जेट कंप्रेस्ड गैस फ्लो कैरियर सैंपल इनटू एटोमाइजेशन रीजन। एक न्यूमोटिक नेबुलाइजर मोस्ट कॉमनली हम नेबुलाइजर में न्यूमोटिक नेबुलाइजर का यूज करते हैं इस पर्पज मतलब सैंपल को डिलीवर करने के। तो सेकंड पार्ट इसमें है एरोसॉल मॉडिफायर, एरोसॉल का यूज करते हैं रिमूव लार्ज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द स्टीम, अलाउ द ओनली स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इन सर्टेन साइज टू ड्रॉप पास। मीन्स जो अगर ड्रॉपलेट्स में नेबुलाइजर्स ने उसको लिक्विड्स को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर ड्रॉपलेट्स के बड़े साइज हैं तो उस बड़े साइज को क्या करता है ये रिमूव कर देगा। एरोसॉल क्या करेगा बड़े साइजेस को क्या करेगा रिमूव करेगा एंड देन वो पार्ट टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स को अभी वो पीस करेगा। फ्लेम आर एटोमाइजर ये क्या करता है कन्वर्ट टू एनालाइट इनटू फ्री एटम्स। जो भी हमारे एनालाइट्स होते हैं सोल्यूशंस होते हैं उस एनालाइट्स को क्या करेगा वो कन्वर्ट कर एनालाइट को फ्री एटम्स में, फ्री एटम्स में अंदर में कन्वर्जन काम करते हैं। सिंपल डिलीवरी और नेबुलाइजर्स जनरली हमारे थ्री टाइप्स के नेबुलाइजर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं। न्यूमेटिक नेबुलाइजर है, इलेक्ट्रोथर्मो वेपोराइजर एंड अल्ट्रासोनिक साउंड नेबुलाइजर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेबुलाइजर्स के विद हेल्प से हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ सिंपल डिलीवरी सिस्टम। इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंप्लीटली लार्ज साइज टू ब्रोकन इनटू कन्वर्टेड टू स्मॉल साइज। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सैंपल इनटू मिस्ट फ्रॉम द फाइन ड्रॉपलेट्स टू द एडजस्ट कंप्रेस्ड आफ्टर द नेबुलाइजेशन, ठीक है। उसको नेबुलाइजेशन देखिए डिफरेंट टाइप्स में पहला है हमारा जैसे न्यूमेटिक नेबुलाइजर्स। न्यूमेटिक नेबुलाइजर्स में ये जनरली फोर पार्ट्स होते हैं जिसमें से क्रॉस फ्लो है ना, बेंगिटोन्स है ना, थ्रेडिस्ट डिस्क एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्यूब्स। ये आप हमारा न्यूमेटिक नेबुलाइजर्स जो यूज होते हैं उसके बेसिक पार्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूमेटिक नेबुलाइजर्स के डिफरेंट जो लेटेस्ट नेबुलाइजर्स अवेलेबल हैं नेबुलाइजेशंस के लिए इसका ये बेसिक डायग्राम्स है, ठीक है। और ये फोर पार्ट होते हैं जनरली नेबुलाइजर के। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव ट्यूब्स, इसके अंदर गैस इनपुट होता है, यहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं और लिक्विड इनपुट यहाँ पे होता है। मतलब उसके जो फोर पार्ट होते हैं उसका इस तरह से डायग्राम होता है, इस तरह से वो काम करते हैं। क्रॉस फ्लो में डिटेल्स होते हैं, यहाँ पे नेबुलाइजेशन की टिप्स यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सेल्स आते हैं और आर्गन गैस का यूज कर सकते हैं।
बेबिलियन टाइप्स में होते हैं सिंपल रिट्रूज, यहाँ पे करते हैं कोरिस्फाइस होता है, यहाँ पे एरोसाल, एरोसाल को क्या बोलते हैं कि जो बहुत सारे लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको फिल्टर करके स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ओरिफिस मतलब यहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है जिसके थ्रू हमारे ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं और यहाँ से इस साइड से हमारी आर्गन गैस आती है ये ग्लास ट्यूब से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हमारा पेटिट्स होते हैं, ये पेटिट्स या पोरस डिस्क होते हैं जिसमें सैंपल सोल्यूशन साइड में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ड्रेन होता है, ड्रेन से निकल जाता है, हाई प्रेशर गैस का फ्लो होता है ये हमारे। दूसरा होता है इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजर, इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजर्स के यूज जनरली हम कौन से यूज करते हैं, आर्गन और हीलियम गैस का यूज कर सकते हैं। वेपोराइजर कंटेन वेपोराइज क्लोज चैम्बर होगा, इनर्ट गैसेस कैरियर, वेपोराइज सैंपल इनटू द एटोमाइज में कन्वर्ट हो जाती है हमारा इलेक्ट्रोथर्मल का। ये डायग्राम्स है आप देख सकते हैं, इसको दूसरा नाम होता है ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइट, फर्नेस मतलब होता है जला करके हीट गर्म करके इसको कन्वर्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेफाइट्स की ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ग्लेस फ्लो इस साइड में, एक्सटर्नल ग्लेस फ्लो होता है, इंटरनल ग्लेस फ्लो इनका साइड ये होता है, यहाँ पे विंडो लगी होती है दोनों साइड में, ठीक है। ग्रेफाइट्स की ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स हमारे दोनों साइड ग्रेफाइट्स होती है, लाइट फिल्म्स यहाँ से इंसर्ट होती है लाइट फिल्म विंडो के थ्रू। ये हमारा होता है रिंग्स हैं, रिंग्स लगी होती हैं, देन ग्रेफाइट फर्नेस यहाँ पे कंट्रोल होता है, ओके। तो एटोमाइजर इलेक्ट्रिकली हीटेड ग्रेफाइट ट्यूब्स होती हैं, ग्रेफाइट ट्यूब्स आर क्लोज्ड विद द इनर्ट गैसेस, जनरली यूज आर्गन गैस का हम यूज करते हैं, और उसके अंदर नॉन एब्जॉर्बिंग मेटल ऑक्साइड उसके अंदर ट्यूब्स होता है, ओके, ठीक है। ये डायग्राम से हमारा आगे देखते हैं अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, जनरली हम मेडिकेशन पर्पज के लिए भी अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर का यूज करते हैं। मेडिकेशन पर्पज में हमने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उसको नेबुलाइजेशन के नेबुलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकलमेंट्स पेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप देखते हैं जैसे उसमें मेडिकलमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारा अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर के, स्मॉल पार्टिकल्स मेडिकल में, मेडिकेशन हैं, कूलिंग बॉटल्स है, अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब आपका अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। वेव्स क्या करते हैं, जो भी सैंपल सोल्यूशन होते हैं उसको पहले उसको क्या करते हैं ड्रॉपलेट्स करते हैं, देन मिक्सिंग करते हैं उसको, तो देन कन्वर्ट हो जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स का। तो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर सिंपल सिंपल इनटू द सरफेस ऑफ वाइब्रेटिंग है ना, ये इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड देन रिजल्टिंग मिस्ट ऑफ डेंसर मोर होमोजेनियस देन रोबोटिक नेबुलाइजर से यूज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वाइब्रेटिंग प्लेट्स लगी होती है, वो वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं जैसे बाहर आएंगे, उसके बाद कूलिंग वाटर और जो भी अगर उसके अंदर मेडिकलमेंट्स अगर डिजोल्व हो सैंपल सोल्यूशन के ऊपर मेडिकल, इसका हम यूज हम कर सकते हैं अपना टेम्पोटोमीटर्स में, इसको सैंपल को अपने क्या करना है इंट्रोड्यूस करने के लिए हम आपको अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर का यूज कर सकते हैं। देखिए आप मेडिकल प्लेट होगी किस तरह से डायग्राम्स हैं, इसका यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेबुलाइजर्स के पार्ट्स हैं, जनरेटर, केबल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, अल्ट्रासोनिक वेव्स, स्टराइल बफर बॉटल, मेडिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि मेडिकेशन पर्पज के लिए, मेडिसिन पर्पज के लिए जो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि टेम्पोटोमीटर्स में नेबुलाइजर्स का यूज क्या है, तो हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उसको नेबुलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लेम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है रिक्वायरमेंट फ्लेम, फ्लेम की जरूरत होती है, फ्लेम में हमारा सैंपल जाने के बाद जलना जुलता है, कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ्लेम, फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स क्यों है, ये शुड हैव बी प्रॉपर टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द ऑपरेशन के लिए, टेम्परेचर क्या होता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है, इसमें मतलब एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसकी प्रोवाइड होती है, शुड नॉट बी एनी फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द बर्निंग, बर्निंग के कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस नहीं होता, जितना हमें लाइट मतलब हीट चाहिए उतना ही लाइट हो, तो मतलब यूनिफॉर्म हीट को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, फ्लेम यूज करते हैं। फ्लेम पोटोमीटर सिंप्लाई द वैरायटी ऑफ फ्यूल्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज होता है। बर्नर आर द टू टाइप्स होते हैं, जनरली दो टाइप्स के बर्नर हमारे मेनली होते हैं, कंसेप्शन बर्नर और परमिक्स मैगनर, परमिक्स मैगनर का ही दूसरा नाम होता है लेमिनार फ्लो बर्नर, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा बर्नर के पार्ट्स हो गए दो सारे टाइप के। अब आप देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के फोर टाइप्स के, इसके बिल्ड कंपोजिशन पार्ट होता है, इसके अंदर थ्री हीटिंग जोन्स हैं, प्राइमरी रिएक्शन जोन्स हैं, इंटरकोनल जोन्स हैं, सेकेंडरी रिएक्शन जोन्स हैं और ट्रिम गैसेस हैं एंड ट्रिपलेट्स हैं। ये हमारे फोर पार्ट हैं बर्नर के, हमारे इसके चार फोर पार्ट्स होते हैं, सिंथेटिक्स में डिवाइडेड इनटू फ्लो रीजन्स जोन, प्री हीटिंग जोन्स, प्राइमरी रिएक्शन जोन, इनर जोन, इंटरनल जोन्स एंड सेकेंडरी जोन, मतलब आपका जो फ्लेम होता है इसके मेन फोर पार्ट, प्री हीटिंग जोन्स को इसके हमारा है, इंटरनल जोन्स ये है, सेकेंडरी रिएक्शन जोन ये है, प्राइमरी जोन्स है, ये हमारे फ्लेम की डायग्राम। प्री हीटिंग जोन्स में क्या होता है, दिस इज कंबिनेशन मिक्सचर्स इज हीटेड टू इग्नाइट टेंपरेचर बाय थर्मल कंडक्शन बाय प्राइमरी रिएक्शन जोन,
वाले कंबशन होता है, मतलब जलना होता है, जलेगा इसमें, है ना, जल करके हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट इग्नाइट, इग्नाइट मतलब होता है कि जल करके लोकेक फिल्म। प्राइमरी रिएक्शन जो उसमें होते हैं अबाउट 0.1 थिकनेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इतना कम प्रेशर में देयर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू कैचुरम एंड कंसंट्रेशन एंड रेडिकल्सन का वेरीफाई। दिस रीजन इज नॉट यूज ऑन द फ्लोर, इस फोटो इस रीजन पे हम फ्लेम फोटोमीटर का यूज में नहीं करते हैं। थर्ड रीजन जो हमारा होता है इंटरकुलर जोन इज कनेक्टेड अप टू कंसीडरेबल हाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड नहीं करते, इसमें इस रीजन पे ही मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा हाईएस्ट पीक लेवल तक पहुंचता है। दिस जोन यूज हम इस रीजन में हम फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी रिएक्शन जो दिस जोन से प्रोवाइड द कंबशन प्रोसेस वन टू स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पेस बाय द सराउंडिंग एयर, स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब ये हमारा लास्ट जोन जो होता है वो हमारे सेकेंडरी जोन होता है। फंक्शन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर का क्या रोल है, क्यों हम फ्लेम फोटोमीटर में फ्लेम का यूज करते हैं, कन्वर्टेड एनालाइट लिक्विड सैंपल इनटू द वेपर, जो भी हमारे एनालाइट सैंपल जैसे हमने NaCl, NaCl एक प्रकार का एनालाइट्स का सैंपल है, उसको वाटर के साथ सैंपल बनाना है, तो क्या करता है उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद डिकम्पोज द एनालाइट इनटू एटम सैंपल बाय मॉलिक्यूल्स, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा, तोड़ करके अलग कर देता है। Then excited from the atom, free atom sample into molecules to meet radiation. उसके बाद excited होकर के energetic लेकर energy लेकर के ground excited state में पहुंच जाएगा। excited state में क्या होगा, जो highest energy levels molecules होगी उसके बाद वो बाद में return आएगा, लेकिन हाँ highest energy level पर electron पहुंचाने के लिए हमारा use main होता है flame का use होता है। जनरली हमारा permixed type का हम burner use करते हैं इसी को flame photometer, ये इसका इस टाइप का डायग्राम्स होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं फ्लेम फोटोमीटर और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो यूज कर रहे हैं, हमारा स्टीलिन ऑक्सीजन का मिक्सचर, स्टीलिन नाइट्रस ऑक्साइड नेचर गैसेस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्टीलिन एयर, हाइड्रोजन प्रोपेन, न्यूटेन, डिफरेंट डिफरेंट की गैसेस। तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो टेम्परेचर होता है स्टीलिन ऑक्सीजन के मिक्सचर में हमने हाईएस्ट टेम्परेचर पर गेट किया, लेकिन अगर नेचुरल गैस एयर के लिए तो लोवेस्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट के हमारा गैसेस मटेरियल ऑक्सीडेंट यूज करते हैं हम फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते टाइम पे, ठीक है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम डिटरमाइन द लो टेम्परेचर इन 15-200 डिग्री स्टेबल मिक्सचर का प्रोपेन एयर या बिटवीन एयर या नेचुरल गैस का हम यूज करते हैं। सेकंड वाला है सोर्स हमारा रेडिएशन सोर्स, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में यूवी पढ़ा था, है ना, यूवी के रेडिएशन सोर्स थे, आईआर के रेडिएशन सोर्स, इसी प्रकार हम देखते हैं कि फ्लेम फोटोमीटर्स में रेडिएशन सोर्स क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो बर्नर यूज द फ्री सैंपल इनटू द फाइन ड्रॉपलेट, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर सेवरल बर्नर्स एंड फूल ऑक्सीडेंट कंबाइंड विद द हैवी यूज प्रोड्यूस न्यूट्रल फिल्म। अब आप करते हैं कि सेवरल जो बर्नर्स होते हैं और फ्यूल मतलब ऑक्सीडेंट जो मटेरियल्स यूज करते हैं दोनों को कम्बिनेशन करने के बाद क्या यूज करते हैं, इसके अंदर बर्नर यूज होगा जो बर्नर से ही फ्लेम आ जाएगा। तो जनरली हम यूज कौन से करते हैं, परमिक्स बर्नर, मेकर टोटल कंसेप्ट बर्नर एंड लुंडेयरकर्स सील्ड बर्नर और नाइट्रस ऑक्साइड स्टीम बर्नर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोर्स में मतलब जो हमारा बर्नर लाइट उसका सोर्स होगा इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के बर्नर। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट है हमारा मेकर और इसका दूसरा है मेकर बर्नर। दिस इज प्राइमरी टाइप्स ऑफ बर्नर यूज ऑफ फोटोमीटर्स यूज है अर्लियर नाउ डेज, आजकल इस बर्नर का जनरली यूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन पहले हम इस बर्नर का यूज कर सकते हैं। जनरली वर्क इन द एट नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन फ्यूल ऑक्सीजन का इसमें यूज कर सकते हैं। लो एक्साइटेड एनर्जी होती है, इस कंडीशन में एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। ये हमारा स्टेप डायग्राम देख सकते हैं। जनरली हम यूज था अल्कली मेटल, नाउ डेज नॉट ही यूज अल्कली मेटल्स का यूज कर लेकिन मेकर बर्नर का हम यूज कर सकते थे। अल्कली मेटल्स में आपको पता है कौन सा, सोडियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का हम यूज इसके लिए करते थे, लेकिन आजकल हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टोटल कंसम्पशन बर्नर। टोटल कंसम्पशन बर्नर में हम जलवे स्पायरेंट थ्रो द कैटलाइट टू बर्नर टिप लगी होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जलने प्रोडक्ट फ्यूल गैस, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जनरली फ्यूल मटेरियल के लिए यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, टायर कंसम्पशन सिंपल एंड डिस्क्राइब फ्लो परफेक्शन एंड नॉट यूनिफॉर्म पेनेट टर्बुलेंस, मतलब यूनिफॉर्म मोशंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल इनलेट्स मटेरियल यहाँ से आता है, ऑक्सीजन इनलेट यहाँ है, ठीक है, और ये हमारा बर्नर के टिप से जहाँ से वो बन रही है। तो ये हमारा ये पर लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर फ्रेम की बात कर ली है, फ्रेम के कंपोजिशन, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्नर कितने टाइप के करते हैं, और यहाँ पे बीच में हमारी कैपिलरी ट्यूब्स होती है जहाँ से ऑक्सीजन और ये सारी चीजें ऊपर तक पहुँचती है। नेक्स्ट है हमारा परमिक्स बर्नर।
These have simple oxidants, not the mix before the expiration, raising the flame. Flame response is loss of mix up to 95% is what. ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी फ्लेम होती है, लेकिन मेन डिसएडवांटेज हैवी लॉस ऑफ मिक्सिंग लॉस होता है, इसके लिए इसको बहुत परमिक्स करना है। ये इसका डायग्राम होता है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मटेरियल लेते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल यूज करते हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी या देखिए यहाँ पे बर्नर है और इस तरह से कैसे जलने के बाद ये किस तरह से इसमें कन्वर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे से गैस आ रही है, प्राइमरी एयर रजिस्टर एक चैम्बर है जहाँ पे मिक्स हो रहा है, सेकेंडरी एयर रजिस्टर होते हैं रिफ्रैक्टरी, और ये फ्लेम के प्रति हमारा बर्नर का पार्ट है पूरा। ये बर्नर की टेप से यहाँ से लो निकलने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन से निकलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है किसका आप एनालिसिस करते हैं। लास्ट है लुमडेन बर्नर, इसका इस तरह से डायग्राम होता है। दिस आर द सैंपल एयर मिक्स चैम्बर, दिस इज द मिक्स कंपोजिशन ऑफ फ्यूल नोजल्स एंड सैंपल रीच्ड अबाउट द फ्लेम वैल्यू 5% तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्डेड बर्नर, दिस फ्लेम सेल्डेड इन द कंबाइंड विद एटमॉस्फेयर स्टीम और इनर्गेट सेल्डेड डन गेट बेटर एनालिटिकल सेंसिटिविटी फॉलोइंग इज द कंबाइंड विद द सेल्डेड, ये सेल्डेड बर्नर के हमारे डायग्राम। उसके बाद हमारा आता है स्प्लीन मिक्सचर का यूज, नाइट्रीन एसिटिलीन फ्लेम, नाइट्रीन और एसिटिलीन के फ्लेम्स होती है। आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्लेम निकल रही है, मतलब दिस फ्लेम्स आर सुपीरियर टू फ्लेम फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस फ्री मेटल्स विद वेरी रिफ्लेक्टिव ऑक्साइड एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, जनरली ये यूज करते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर इसका ड्रॉबैक होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जनरेट हो जाता है, रिड्यूस द यूजफुलनेस डिटरमिनेशन ऑफ अल्कली मेटल, दे आर इजिली आयनाइज, इंटेंस बैकग्राउंड इमिशन मेक द। उसके बाद हमारा सिस्टम होता है ऑप्टिकल फिल्टर्स का यूज करते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम कंप्रेस पार्ट का, इसके अंदर हमारा यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, लेंस एंड फिल्टर, ये हमारा ऑप्टिकल सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके अंदर कन्वेंस मिरर और फिल्टर यूज करते हैं। कन्वेंस मिरर क्या करता है, हेल्प द ट्रांसमिट लाइट इमिटर फ्रॉम द एटम एंड फोकस द इमिशन टू द लेंस का। उसके बाद कन्वेंस लेंस हेल्प द फोकस लाइट ऑन द पॉइंट कॉल्ड द उसको स्लिट तक पहुंचाता है, फोकल पॉइंट। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर फॉर्म्स थ्रू द स्लिट एंड रीच टू द फिल्टर, उसके बाद लाइट का पहुंचती है फिल्टर तक, एंड बीच भी आइसोलेटेड द वेवलेंथ मेजर दे आर इन एट द स्टेशन इमिशन, ये हमारा ऑप्टिकल फिल्टर की यूज है। मतलब ऑप्टिकल के अंदर लेंस होते हैं, यूज होते हैं मिरर होते हैं, मिरर के अंदर कॉन्वेक्स यूज होते हैं जो हमारे लाइट को पास करके फोकल लेंस तक मेन पॉइंट तक पहुँचा देता है रिफ्लेक्टर फिल्टर। ठीक है, ये हमारा मिरर्स है, ये मिरर्स देखते हैं, ये फोकल पॉइंट्स होता है जहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट पर पहुंच जाता है। यह रेडिकल इमिटेड फ्लेम जनरेट टूवर्ड्स ऑल डायरेक्शन, हिंस मिरर इज प्लेस बिहाइंड द फ्लेम फोकस रेडिएशन टूवर्ड्स द इंटेंस स्लिट एंड द मोनोक्रोमेटर, कनकेव मिरर यूज टू द फ्रंट फोकल फेस रिफ्लेक्टिंग टाइप, हो ये हमारे फ्रंट में और यहाँ से जाते के फिर से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच जाते। सेकंड है मोनोक्रोमेटर्स, मोनोक्रोमेटर्स जनरली आपको पता है कि पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन कन्वर्टेड टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मतलब जो भी फ्लेम से लाइट आएगी, बहुत सारी लाइट्स आएगी, हमें मैक्सिमम लाइट्स नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म लाइट चाहिए, मुझे नीड है जिसकी उसी लाइट को मोनोक्रोमेटर क्या होता है वहाँ तक पहुँचाता है। इसके लिए हमारा दो टाइप्स होते हैं प्रिज्म और ग्रेटिंग, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट, अगर व्हाइट लाइट्स आई तो सेवन कलर में डिस्पर्स होगी, डिस्पर्स होने के कारण वहाँ पे एक लाइट्स का यूज करते हैं स्लिट, स्लिट उस लाइट को फिल्टर करने के बाद आगे उसको प्रोसीड कर देती है लेंस में। तेन होता है ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का भी पार्ट होता है, ग्रेटिंग में एसेंशियल सीरीज है पैरेलल लाइन एंड रूफ, सब ये आप देखते हैं ये प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स का डायग्राम से, ये इंटायर रीजंस यहाँ से लेने के बाद सेवन कलर यह फोकस लेंस तक पहुँचता, उसके बाद एक स्लिट यहाँ से एक लाइट लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, ग्रोपिंग मोनोक्रोमेटर्स क्या है कि लाइट्स आर डिफरेंट पैरेलल लाइन यहाँ पे बैठे कि यहाँ पे सरफेस पॉलिशिंग सरफेस होता है, वहाँ पर लाइट पड़ने के बाद लाइट क्या होती है यहाँ पे स्केटर हो जाती है, स्केटर होने के बाद स्केटिंग लाइट को इफेक्ट स्लिट फिर से फिल्टर कर देता है और उसके बाद आगे वो पे फोकल प्लेन तक पहुँचाता है, ये हमारा ग्रेट मोनोक्रोमेटर ग्रेटिंग पार्ट। देन उसके बाद हमारा डिटेक्टर्स मेन पार्ट है, डिटेक्टर्स में जनरली थ्री टाइप्स के डिटेक्टर्स यूज होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर, फोटो इमेजिंग और फोटो मल्टीप्लेक्सर्स, ये डिफेक्टेड डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं जो हमारे जनरली यूज हो सकते हैं। तो मेनली यूज है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स का यूज होता है, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर के अंदर क्या यूज करते हैं जनरली वोलेटाइल सल्फर्स एंड फास्फोरस कंपाउंड होते हैं, डिटेक्शन प्रिंसिपल इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड सल्फर H2 स्टार एंड एक्साइटेड टू हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्साइड स्पीसीज HPU एंड रिड्यूस द फ्लेम, ये द फोटो मल्टीपल्टी मेजर द कैरेक्टरिस्टिक chemical luminescence emission of the optical filter can be changed allow the photomultiplier view light
494 नैनोमीटर सल्फर मेजर द पोटेंशियल। तो ये आपका फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स है, इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं फ्रेम यहाँ से आ रही है। अब आप इसमें देख देखिए किसी काम गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से इंसर्ट हो रही है इस साइड से, एयर यहाँ से आ रही है मतलब हाइड्रोजन इस साइड से और एयर पर साइड से, और यहाँ से फ्लेम आ रहा है। फ्लेम्स के अंदर क्या होता है, केमिकल लुमिनेसेंस मतलब होता है जब भी एनर्जेटिक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी स्विफ्ट रिटर्न आने पर उस समय से इमिट ऑफ रेडिएशन करते हैं, एक प्रकार का फेसिंग ऑफ लाइट्स होता है, उसको बोलते हैं केमिकल लुमिनेसेंस। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे एक झास लगा होता निकल गया होता है, उधर से थर्मल एनर्जी से हीट होता है, उसके बाद यहाँ पे पीएमटी हो जाता है। ठीक है, हम द वोल्टेज प्रॉपर सप्लाई एटम एम्पलीफायर तक जाता है मतलब कंप्यूटर तक। यहाँ पे आप देखते हैं दो प्रकार के फिल्टर्स यूज करते थे, फास्फोरस फिल्टर और सल्फर फिल्टर। फास्फोरस फिल्टर जो होते हैं उसका जो हमारा 526 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे होता है, और हमारा सल्फर फिल्टर जो होता है 390 होता है। यहाँ पे लिखा फ्रेम पीडीपी रिपली रिक्वायर्ड फॉर द गैस ग्रेड एच के सिंथेटिक एयर के लिए 99% प्योरिटी होती है, नॉट मोर देन 5% पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम टोटल रिपोर्ट ऑफ द इम्प्योरिटी लेवल एंड द हाइएस्ट प्योरिटी लेवल ऑफ गैस सच एज हाई क्वालिटी हाइड्रोजन 6-2 फंक्शन हियर यूज आफ्टर सिलेंड्रिकल हाइड्रोजन रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है। द सेफ ऑपरेशन ड्यू टू द स्मॉल कंटेंट वॉल्यूम आर लेस देन 40 ml एंड ऑफर द ब्रॉड रेंज ऑफ हाई प्योरिटी गैस जनरेट द इन हाउस प्रोडक्शन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड जीरो एयर मतलब का यूज करते हैं, मतलब ये आपका जनरली यूज किया जाता है हमारा फ्लेम फोटो डिटेक्टर्स यूज के साथ साथ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होता है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का हमने प्रीवियस यूवी क्लासेस में काफ़ी देखा है, इसके अंदर डायोड बने होते हैं, 10 डायोड्स लगे होते हैं। डायोड्स क्या करता है, जो भी फोटॉन्स एनर्जी हमारी इंटेंसिटी एमिशन से लाइट्स जो होती है एनर्जी होती है उसको एनर्जेटिक बीम में कन्वर्ट कर देता है, और एनर्जेटिक बीम में जो कन्वर्ट होने के बाद वो अपना सिग्नल्स पूरा रिकॉर्डर में भेज देता है, और रिकॉर्डर में हमारी एक प्रकार की पीक्स या स्पेक्ट्रा शो करता है। तो यहाँ पे यही डेंसिटी ऑफ लाइट फैली सो फोटो मल्टीपल ट्यूब यूज द बूस्ट ऑफ द सिग्नल इंटेंसिटी ए डिटेक्टर इज यूज जनरेट द वोल्टेज ऑफ हाई पिंचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाई द फोटो मल्टीपल ट्यूब। उसके बाद फोटो वोल्टाइक सेल्स का यूज होता है। फोटो वोल्टाइक सेल क्या होता है, इस टाइप के बने होते हैं जिसमें के लिए इंसुलेटर होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक साइड में होते हैं, दूसरे साइड में निगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मीन्स आप देखें थिन मेटेलिक लेयर कोटेड सिल्वर एंड गोल्ड से इलेक्ट्रोड में कोटिंग होती है, मतलब जो आपके वहाँ पे चार्ज होते हैं मेटेलिक उसके अंदर सिल्वर और गोल्ड से एक तरफ इलेक्ट्रोड के अंदर कोटिंग कर देती है, लेयर बना देते हैं। आल्सो मेटल इज अ बेस प्लेट विच सेक्टेज अनदर इलेक्ट्रोड, जो एक बेस प्लेट की दूसरा होता है जो किसका करता है अनदर इलेक्ट्रोड के लिए होता था। टू लेयर सेपरेट इज सेमी कंडक्टर लेयर ऑफ द सेलेनियम विन लाइट रेडिएशन सेलेनियम, उसके अंदर सेमी कंडक्टर मटेरियल लेयर होती है जिसमें जो सेलेनियम की बनी होती है, सेलेनियम की बनी होनी होती है, एक सेमी कंडक्टर लेयर बनी होती है लाइट रेडिएशन, उसी के थ्रू लाइट रेडिएशन हमारी फाल होती है। दिस क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड का द प्रोवा, उसके अंदर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जैसे भी इंटेंसिटी लाइट होती है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वोल्टेज में चेंज होता है। वोल्टेज में चेंज होने के बाद क्या होते हैं वो हमारे रिकॉर्डर तक पहुँचता है, कितना डेविएशन की लाइट वहाँ पहुँचती है उसको हमारा फोटो से मेजरमेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो प्रकार के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड। आप इसका डायग्राम इस तरह देखते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल कैसे होती है जिससे सनलाइट एक एनर्जी सोर्स है, तो यहाँ पे दो प्रकार के पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट निगेटिव टर्मिनल्स और एनर्जी सोर्स। यहाँ ग्लास होते हैं, इसके अंदर दो प्रकार के डायोड सेमी कंडक्टर मटेरियल्स बने होते हैं, एक एन टाइप्स का होता है दूसरा पी टाइप्स का। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होती है गैपिंग होती है, गैपिंग के बीच में एक जंक्शन होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या होता है फ्लक्चुएशन होता है, मतलब एक कैथोड और एक एनोड दोनों से अटैच होते हैं, और यहाँ इसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं, वो कॉइल्स क्या करती हैं एनर्जी को वहाँ से ऑपरेट करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे लाइट सोर्स से, लाइट सोर्स से करंट फ्लो हो रहा है, एक तरफ हमारा कैनोड है दूसरी तरफ हमारा कैथोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, देखिए होल्स यहाँ पे हमने बताया दोनों साइड पे गैपिंग जो होती है इसका अंदर का डायग्राम से कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैपिंग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेशन किस पे डिपेंड करता है उसके अंदर अप्लाइड ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं माइग्रेट करते हैं। तो जो कैथोड्स के आने होते हैं वो कुछ एनोड की मतलब के पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन एक दूसरे से माइग्रेशन करके जाकर के डिपोजिशन होते जाते हैं, जैसे वोल्टेज आता है उसी में ये चेंज होता है। ठीक है, कहता होल्स फिल विद द फ्रीडम इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स से मूव होते हैं, यहाँ से एनर्जी होती है। इस तरह से ये डायग्राम होता है हमारा फोटोवोल्टाइक सेल, ये हमारा वर्किंग डिकेटर है फ्यूल और गैस बर्न
steam for the air oxygen supplied by the air compressor. Distilled water and solvent placed into the atomizer burner and they allow to the spread the flame. Radiation emitted flame collected by the lens, slit and effluent filter and photo detector. Adjust gauge knobs लगाए जाते हैं दिया galvanometer spot distance zero reading and highest concentration of solution for the place in the reading galvanometer adjust ना 100 means यहाँ पे होता है कि जितनी भी readings होती है वहाँ पे fluctuations कितना amount of signal और reading आती है उसके concentration पे depend करता है जितना ज़्यादा concentration होता है उतना ज़्यादा की light वहाँ पहुँचती है और galvanometer से वहाँ पे record को देख चेक करता है check out करने के बाद वहाँ पे record कर देता है कि intermittent concentration atomize the reading record by the 0 to 100 हम द रीडिंग गैल्वेनोमीटर कैलिब्रेशन ग्राफ पर प्लॉटेड करते हैं सॉल्यूशन एंड दिस फॉर द एटमाइजर रीडिंग गैल्वेनोमीटर से द रिकॉर्ड फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर आपको रिकॉर्ड करने के बाद कहां देता है अपना रीड आउट सिस्टम ये अगला होता है हमारा रीड आउट सिस्टम होता है मींस आपका रिकॉर्डर मतलब कि डिटेक्टर के पास सिग्नल कितना हुआ गैल्वेनोमीटर में उसको रिकॉर्ड पूरा सिग्नल को मेजरमेंट करता है उसके बाद कहां पे देता है रिकॉर्डर रीड आउट इज बाय It is capable to display the absorption spectra as well absorbance as specific specific wavelength पे कितना स्पेक्ट्रा absorb किया है वो हमारा रीड आउट सिस्टम पे दिखाई देगा Nowadays instruments is microprocessor controller electronics provide output capable the printer or computer आजकल आप देखते हैं कि मॉनिटर्स लगा देते हैं मॉनिटर में जो भी ग्राफ आता है उसको मैंने प्रिंटर अटैच करते हैं प्रिंटर से प्रिंट दे देते हैं और आपका ग्राफ आपको पता चल जाकर दिखाई देता है ये हमारा रीड आउट सिस्टम ठीक है तो ये है आपका डिवाइस होगा उसके बाद हमारा इंटरफेरेंस लगे होते हैं डिफरेंट इंटरफेरेंस प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर लेते हैं आज हम अपना एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं उसके बाद हमारा इंटरफेरेंस सिस्टम एडवांटेज देख लेते हैं सिंपल क्वांटिटेटिव एंड इलेक्ट्रिकल लिस्ट होता है मिनरलाइज इनएक्सपेंसिव होता है एंड ठीक है बहुत ही सस्ता है डिटरमिनेशन एलिमेंट लाइक अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल को हम डिटेक्शन कर सकते हैं मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंट मेथड उसके साथ साथ क्यों कन्वीनियंट सिलेक्टिव सेंसिटिव टू द पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन पार्ट पर मिलियन मतलब होता है कि एक का 10,000 पार्ट मतलब 1 × 10^6 पार्ट को और भी डिवीजन इतना छोटे कंसंट्रेशन को भी हिस्से हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और पार्ट्स पर बिलियन मतलब होता है 1 × 10^9 मतलब किसी भी कंपाउंड्स का इतना और भी ज़्यादा डायलूशन मतलब होता है और भी ज़्यादा नैनो मतलब माइक्रो से नैनो पार्टिकल मतलब इतना ज़्यादा डिवीजन इतना कम कंसंट्रेशन का लिस्ट डायलोस मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन और मैक्सिमम डायलोटेड सॉल्यूशन को भी हम इसके थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं मतलब ppm और ppb में डिसएडवांटेज क्या है दिस कंसंट्रेटेड मेटल आयन सॉल्यूशन कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली इसके थ्रू हम बहुत भी एक्यूरेशंस नहीं आता जो भी मेटल आयन कंसंट्रेशन मेटल मेजरमेंट करते हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं आता स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन द मोलरिटी रिक्वायर्ड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड विल बी करस्पॉन्डिंग इनिशियल मतलब जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं उसको हम मोलर सॉल्यूशन 0.2 0.4 इस तरह से मोलर सॉल्यूशन हमें पहले प्रिपेयर करना जरूरी होता है डिफिकल्ट टू अपने एक्यूरेट रिजल्ट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन पे इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कंपाउंड को डिटरमिनेशन हम नहीं कर सकते एक्यूरेट एलिमेंट सच एज कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलाइड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय नॉन रेडिंग नेचर्स क्योंकि वो नॉन रेडिएशनिंग नेचर्स होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन और हैलाइड्स को इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो सम लिमिटेशन से कुछ लिमिटेशन हमारे टेम फोटोमीटर से पहला टेम्परेचर इज नॉट हाई इनफ टू एक्साइटेड ट्रांजिशन मेटल के लिए देयरफॉर मेथड सेलेक्टिव टुवर्ड्स सिलेक्शन अल्कली अल्कली मतलब जनरली हमारा ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट्स के जो कुछ मेटल्स होते हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी लगती है ज़्यादा एनर्जी पे वो मेल्ट होते हैं कन्वर्ट होते हैं विपरीत स्टेट में उसके लिए एप्लीकेबल्स नहीं है जनरली अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वो कम मिनिमम वेपर भी हो क्या होते हैं वेपराइज हो सकते हैं They are relative low energy level of flame leading relative low intensity of radiation from the metal ion. Low temperature radiator for their interference and the relative flame is spallation condition. Therefore, other element not easy to be eliminated. अगर दो एलिमेंट्स है जैसे कापर है और Fe है दोनों कापर और Fe के दोनों की वेवलेंथ सेम है नियरेस्ट होती है तो कलर भी में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता इस प्रकार से एक मेटल से दूसरे मेटल की अगर कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो उसको ईजिली हम इलिमिनेट नहीं कर सकते ये हमारा पेपर एप्लीकेशंस क्या है हमारा फ्लेम फोटोमीटर के डिफरेंट बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस है फ्लेम फोटोमीटर बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं हमने मतलब अपने जो एलिमेंट्स मेटल है मेटल को हम डिटरमिनेशन कर सकते हैं फोटोमीटर मोनोक्रोमीटर सिमिट द रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ हेल्प टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मेटल इन द सैंपल किसी सैंपल के अंदर कौन सा पर्टिकुलर
मेटल प्रेजेंट है उसको हम टेम्परेटोमीटर के हेल्प से उसको के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथ साथ इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लिथियम लेवल इन द सीरम, सीरम के अंदर आपके लेते हैं अंदर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का लेवल कितना है उसको, साथ साथ यूरिन में सर्वे स्पाइनल कोर्ड के अंदर बॉडी कोर्ड के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम आए मसल्स एंड हेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग ब्लड सीरम्स एंड एस्पिरेशन इनटू द टेम्परेटोमीटर, मतलब के लिए मतलब सोडियम और पोटेशियम आयन को भी इजीली इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही सोडियम पोटेशियम सीरम लेवल के साथ साथ अपने सोडियम आयन फ्लोर से जैसे आप देखते हैं कि टू पैर से इंटरसेल के अंदर दो प्रकार के आयन्स होते हैं इंटरसेलुलर आयन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन के में सोडियम आयन है और पोटेशियम हमारा इंटरसेलुलर आयन है, तो इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर। लिथियम स्टिमुलेशन और साइकोट्रोपिक साइकोट्रोपिक थेरेपी के लिए हमें लिथियम सॉक लिथियम मेटल्स का यूज करते हैं, तो लिथियम का इस्टीमेशन भी हम इससे कर सकते हैं। This is help to determine the availability of alkali and alkali earth metal based credit on the soil cultivation के लिए, अगर soil का cultivation हो रहा है soil के अंदर की कितना alkali और alkali earth metal से मतलब कितना क्षारीय है basicity कितनी है उसकी उसका हमें composition को determination करना है तो भी हम simple potometer को, साथ साथ में agriculture के field में fertilizers में मिट्टी के अंदर कितना फर्टिलाइजर्स का अमाउंट है कितना वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ में इंडस्ट्रियल वेस्टेज में ग्लास सीमेंट पेट्रोलियम और प्रोडक्ट में भी इंडस्ट्रियल में जो वेस्टेज निकलते हैं वेस्टेज का भी डिटर्मिनेशन हम टेम्परेटोमीटर पे करते हैं। ग्लास के लिए सीमेंट एंड पेट्रोलियम के लिए टेम्परेटोमीटर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कली अल्कली मेटल्स इजली यूज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल पेट्रोल्स के अंदर कितना लेड का कंपोजिशन से उसको भी कर सकते हैं। यूज स्टडी ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व है आयन एक्सचेंज रेजिनस मटेरियल्स के अंदर कितना रेजिनस मटेरियल्स है कैटायंस कितना है एनायंस उसका भी एस्टिमेशन इजीली कर सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम इन द सीमेंट और आपके साथ साथ सीमेंट के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम का कितना कंपोजिशन कितना उसका अमाउंट है सीमेंट के अंदर उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। साथ साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूट जूस अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी लेड टू प्लेवर, मतलब आप सॉफ्ट ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितने आयंस कितना है किस भी कंपोजिशन है। फ्रूट जूस के अंदर जैसे एप्पल जूस के अंदर है अगर कैल्शियम का लेवल करना अल्कोहलिक बेवरेज का एनालाइज करना तो डिफरेंट सो फ्रूट जूस का भी एनालाइज हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये हमारा अप्लीकेशन ठीक है। क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स हैं वेवलेंथ हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा जनरली कैल्शियम क्लोराइड एक एग्जांपल लेते हैं जैसे सपोज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड कन्वर्टेड टू कैल्शियम सॉलिड में फर्स्ट ट्रीटमेंट देन कन्वर्टेड टू कैल्शियम क्लोराइड इन गैसेस, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है दे कन्वर्ट टू Cl2 क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम दोनों का गैसेस फॉर्म में होता है। दे आर फोर स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आयनाइजेशन सेकंड में एक्साइटेशन फिर ऑक्सीजन फॉर्म द गैसेस स्टेट एंड फोर्थ फॉर्म द गैसेस स्टेट। आप देखिए कैल्शियम है कैल्शियम पहले है हीट जैसे कैल्शियम गैसेस में गर्म हुआ फ्लेम हुआ आयनाइज हुआ तो कैल्शियम प्लस आयन कन्वर्ट हुआ उसके बाद स्टैंड में ये न्यूट्रल स्पीशीज फॉर्म हुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की कैल्शियम ऑक्साइड एंड ओएच से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये हमारा एक एग्जांपल है आयनाइजेशन किस तरह से सबके आयनाइजेशन होता है ठीक है। ये हमारे डिफरेंस है थैंक यू आप लोगों के लिए काफ़ी देर तक सुना किस तरह से हमारा ये टेम्परेटोमीटर का पार्ट कवर होता है ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप इसको पूछ सकते हैं।